हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर मामा। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में जहां इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं, वहां पर इंग्लिश रीडिंग इज अ एक्वायर्ड स्किल जो हम सीखते हैं। ये हमें मदर टंग के जैसे ऑर्गेनिकली नहीं आती, तो हम इसे प्री स्कूलर्स को कैसे सिखाएं कि उनको बर्डन ना लगे। आज मैं कुछ आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिसे अपनाने से आप बच्चे में प्री रीडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, या ये कहें कि चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग। एंड इन कमिंग वीक्स आई विल पोस्ट 5 मोर वीडियोस ऑन रीडिंग, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सराउंड देम विद बुक्स। बुक्स का आसपास होना बच्चों के लिए एक किक स्टार्ट जैसा काम करता है, सो बाय देम लॉट्स ऑफ बुक्स। नाउ यू कैन से दैट बुक्स आर एक्सपेंसिव, सो आई विल टेल यू सम इंडियन पब्लिकेशंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हिच आर वेरी अफोर्डेबल। हाउ टू बिल्ड अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। सो दादा दादी, नाना नानी, रिलेटिव्स जब आपसे ये बोले कि हम बच्चे को क्या गिफ्ट दें, तो आप उनसे ये बोल सकते हैं कि उसको ये फला बुक आप गिफ्ट कर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे एक अच्छा कलेक्शन बच्चे के पास तैयार हो जाएगा। रीड टू योर चाइल्ड एवरी नाइट, इट इज अ ग्रेट बॉन्डिंग टेक्निक। आप बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकते हैं वाइल रीडिंग एट नाइट। रात के वक्त एकदम शांत होता है, बच्चा भी रिलैक्स होता है, उस वक्त आप बच्चे को बुक रीड कर सकते हैं। इससे बच्चे को ये भी आइडिया होगा कि किस तरह से बुक को पकड़ते हैं, कैसे पेजेस एक एक करके फ्लिप करते हैं, और हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड पढ़ते हैं, और पढ़ते समय हर वर्ड पर अपनी उंगली स्लाइड करिए। इससे धीरे धीरे बच्चे को वर्ड्स की रिकग्निशन शुरू हो जाएगी। चॉइस ऑफ बुक्स, बच्चों के लिए ऐसी बुक्स लीजिए जो बहुत कलरफुल हों, जिनके बोल्ड प्रिंट्स हों। शुरू में ऐसी बुक्स लीजिए जिनमें सिंगल लाइन हो हर पेज पे, या फिर एक सिंगल वर्ड हो, और वो बहुत रिलेटेबल होनी चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट ऑफ इंडिया बाय कुतुकी, रेनबो गर्ल्स एंड बॉयज बाय प्रथम पब्लिकेशन। ये बुक्स की इलस्ट्रेशंस और ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत हैं और बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। मेक अ रीडिंग कॉर्नर फॉर योर चाइल्ड इन योर होम। अपने घर में कहीं भी एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर अपने बच्चे के लिए बनाइए, जहां पर वो बुक्स आसानी से रख सकता हो और वहां से आसानी से निकाल सकता हो। एंड गिव योर चाइल्ड द फ्रीडम टू चूज द बुक ही वॉन्ट्स टू रीड, और या फिर आपसे वो पढ़वाना चाहता हो। इससे आपको बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा। नाउ वी कम टू आवर सेकंड स्टेप, फोनिक्स साउंड। बच्चों को अल्फाबेट की रिकग्निशन तो आ गई होगी लिखने से, पर उसके साउंड की नॉलेज अभी नहीं हुई है, और इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, तो इस वजह से उसके साउंड भी जो हम लिखते हैं वो हम बोलते नहीं, और जो हम बोलते हैं वो हम लिखते नहीं। तो इट्स नॉट लाइक अदर रीजनल और हिंदी लैंग्वेज कि हम जैसे जो बोले वही लिखें। सो इसके लिए आपको फोनिक सॉन्ग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो मॉर्निंग में जब बच्चे को आप उठा रहे हो, तो राइम्स लगाइए उसके लिए और फोनिक सॉन्ग लगाइए। फोनिक सॉन्ग कौन सा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे के सबकॉन्शियस मेमोरी में बच्चों को साउंड क्लियर होते रहेंगे और उसको मेमोराइज हो जाएंगे। प्लेइंग जॉली फोनिक्स। जॉली फोनिक्स एक मल्टी सेंसरी तरीका है बच्चे को फन वे में साउंड का रिकग्निशन कराने का। आज मैं आपको इसके 7 ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी। सो दीज आर 7 ग्रुप्स ऑफ जॉली फोनिक्स। वी स्टार्ट विद स, अ, ट, ई, फ, ङ, ख, अ, ह, ऋ, ङ, ड, क, अ, अ, ङ, फ, ब, अ, ज, अ, I, E, R, Z, W, N, V, U, Y, X, Ch, Sh, T, D, Q, O,
oy, you, er, art. मॉर्निंग में आप बच्चे को जॉली फोनिक्स भी प्ले कर सकते हैं. नाउ वी कम टू आवर थर्ड स्टेप, रीड फ्रॉम द सराउंडिंग. यस, अगर आप आसपास नोटिस करें तो हम टेक्स्ट और वर्ड्स से घिरे हुए हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के बिलबोर्ड्स हो या फिर ब्रांड लेबल्स हो या रोड साइंस हो. तो आसपास हमारे काफी वर्ड्स हैं जिनको आप बच्चे को वॉक कराते समय या आप ट्रैवल कर रहे हो कार में या कहीं जा रहे हो तो आप बच्चे को पॉइंट आउट करके पूछ सकते हैं वो कौन सा वर्ड है उसको पढ़ने की कोशिश करो या वो कौन सा वर्ड है उसको समझने की कोशिश करो. साइट वर्ड्स भी इसी तरह लर्न किए जा सकते हैं. साइट वर्ड्स के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोज में भी आपको बताऊंगी, जो एक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही रिपीटेटिव होते हैं किसी भी सेंटेंसेस में या किसी भी पैराग्राफ में. तो वो वर्ड्स आप उनको ढूंढने के लिए कह सकते हैं. इस तरह से बच्चे को बहुत ही इजीली और फन वे में वर्ड्स की रिकग्निशन हो जाएगी. आप उनके साथ एक गेम खेल सकते हैं जैसे आई स्पाई विद माई लिटिल आई वर्ड द. नाउ चाइल्ड हैज टू फाइंड द वर्ड कि वो कहाँ लिखा हुआ है. तो है ना मजेदार. सो इट इज इस तरह से आप बच्चे को खेल खेल में साइट वर्ड्स और दूसरे वर्ड्स पढ़ा सकते हैं. Now, for raising a reader, you need to keep few points in your mind. First, don't pressurize your child to read. Let it be an organic process. Second, it's a slow and steady process. So, have lots of patience. And third, by inculcating the habit of reading, you are giving him a friend for life. Remember, books are our best friends. Especially in time like COVID, when we can't go outside and also don't find any healthy entertainment option available at home, books come very handy. So step by step, you and me will develop and improve your child's reading habit. So for that, please press the bell icon so that when I post the next video, you get the notification. Bye-bye for now.